बड़े रामदास। काशी नगरी अनेक संगीतज्ञों की उद्गम स्थली रही है। बड़े रामदास अपने समय के माने हुए संगीतज्ञ थे। आजकल जितने भी काशी के गायक अथवा गायिकाएं हैं, वे सब स्वर्गीय पंडित रामदास जी की परंपरा से संबद्ध हैं। उनकी वंश परंपरा में सदा से संगीत की साधना होती रही है। काशी के हरिशंकर मिश्र, महादेव मिश्र, हनुमान प्रसाद मिश्र, जालपा प्रसाद, गणेश प्रसाद, गिरिजा देवी, सिद्धेश्वरी देवी, नंदलाल आदि संगीतज्ञ आप ही के पुण्य प्रताप के फल हैं। स्वर्गीय पंडित बड़े रामदास का जन्म 31 जनवरी सन 1876 को वाराणसी के कबीर चौरा मोहल्ला में हुआ। पिता का नाम शिवनंदन तथा माता का नाम भगवंती देवी था, जो एक लंबी अवधि तक संतानहीन थे। श्री भास्कर नंद स्वामी के शुभाशीर्वाद से एक प्रतिभावान पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसे रामदास के नाम से पुकारा गया। आपकी संगीत शिक्षा बाल्यकाल से ही पिता के द्वारा शुरू हुई। आपके पिता ध्रुपद धमार के अच्छे गायक थे, किंतु अन्य चीज भी गाते थे। 25 वर्ष तक बड़े रामदास संगीत की शिक्षा लेते रहे। इसके अतिरिक्त आपने हिंदू, उर्दू और फारसी की भी शिक्षा ली। आपके ससुर पंडित जयकरण एक अच्छे गायक थे। आप उनसे भी काफी समय तक विवाह के बाद संगीत की शिक्षा लेते रहे। गायन के अतिरिक्त नृत्य की भी शिक्षा अपने ममेरे भाई जबई जी से प्राप्त की। धीरे धीरे आपकी ख्याति दिन प्रतिदिन चौगुनी गति से बढ़ने लगी। 32 वर्ष की अवस्था में नेपाल नरेश से निमंत्रण मिला। वहां दो बार गए और प्रत्येक बार आपके गायन की बड़ी प्रशंसा हुई और काफी धन प्राप्त किया। रामपुर, उदयपुर, ग्वालियर, इंदौर, कश्मीर, दरभंगा आदि रियासतों तथा इलाहाबाद, पटना, भागलपुर, कानपुर, लखनऊ, दिल्ली, बंबई आदि प्रमुख नगरों में भी अपने गायन से श्रोताओं को मुग्ध किया। सन 1926 में काशी सनातन विद्यापीठ द्वारा संगीतोपाध्याय, सन 1927 में भारत धर्म महामंडल द्वारा संगीत भूषण और सन 1935 में हरिनाम प्रदायिनी द्वारा संगीत कलानिधि की उपाधि से विभूषित किया गया। आप एक अच्छे वाद्यकार भी थे। आपकी बहुत सी बंदिशें गाई जाती हैं, जिनके स्वर और शब्द दोनों के रचने का श्रेय आपको प्राप्त है। आपकी आवाज अत्यंत सुरीली और ऊंची थी। उस समय माइक नहीं था, किंतु अधिक से अधिक जनता आपका गायन सुन सकती थी। आप चारों पट के गायक थे। जहां जैसी आवश्यकता होती वहां वैसा गाने लगते। ध्रुपद, धमार, ख्याल, ठुमरी, टप्पा, दादरा, कहरवा, चैती, कजरी, होरी आदि सभी का निर्वाह बहुत अच्छी तरह करते। गाते समय मुद्रा दोष से कोसों दूर रहते और किसी प्रकार का व्यसन ना करते। आपको घोड़ों की सवारी करने का शौक था। गाते समय स्वयं खूब आनंद लेते और श्रोताओं को रिझाते। हर जगह निर्भय होकर गाते। लय ताल के बड़े पक्के थे। अप्रचलित रागों तथा तालों का प्रयोग सरलता से करते थे। शिष्यों को सिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। गायनाचार्य जी का टील डॉल लंबा, भारी बदन और गोरे रंग के व्यक्ति थे। रेशमी जरी का कम ख्वाब के कपड़े, सिर पर साफा, सुंदर शेरवानी या विलायती ढंग का कोट पहनते थे। आप स्वभाव के बहुत विनोदी थे। सभी छोटों बड़ों से हंसकर बात करते थे। जहां कहीं किसी जलसे में जाते अपने शिष्यों सहित जाते। आपका कोई पुत्र नहीं था, केवल एक पुत्री थी। आपके छोटे भाई श्याम सुंदर के पुत्र हरिशंकर मिश्र हैं। भातखंडे संगीत विद्यापीठ लखनऊ से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। आपकी मृत्यु 31 जनवरी सन 1960 को हुई, जिससे संगीत जगत को बड़ा आघात पहुंचा।